Hey everyone and welcome back to my channel. In this video I have come up with an amazing cream or a moisturizer to review on, and it is the Lotus Professional Plant Retinol Plus Vitamin C Brightening Boost Cream. Well, before moving ahead, do not forget to hit that subscribe button for more upcoming skincare content and tips. As we all know, Lotus Professional एक well-known brand है, and also जो इसके products हैं वो काफ़ी quality based products होते हैं. It has a wide variety of products, and especially when it comes to skincare products, काफ़ी सारे skincare products हैं इसके, चाहे वो moisturizers हों, serums हों, there are a lot of skincare products which Lotus has. So this is from Lotus Professional. It has plant retinol and vitamin C used as the main ingredient. So इसके जो main ingredients हैं वो है plant retinol and vitamin C. इसके बारे में हम अब आगे बात करेंगे क्या इसके benefits हैं, कैसे आप इसको apply कर सकते हो and how to apply it. I have put the link of this particular Lotus Professional cream in the description box below. अगर आपको ये moisturizer के benefits पसंद आते हैं तो आप जाके उस link के through purchase कर सकते हो. टॉकिंग अबाउट दी बेनिफिट्स, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों ये मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए. वेल, सबसे पहला इसका बेनिफिट ये है, इट सेज कि इट्स सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. वेल, इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, बट जब मैंने इसे परचेज किया था, आई हैव यूज्ड इट ड्यूरिंग द विंटर्स बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है और विंटर्स में आई कैन कैरी दिस मॉइस्चराइजर बिकॉज ये थोड़ा सा एक थिक मॉइस्चराइजर है. इट इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर द वंस जिनकी ड्राई स्किन है या फिर जिनको ड्राइनेस का इशू है, उसके लिए ये मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा है. ऑल्सो विद दैट, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो डलनेस तो होगी ही, सो डलनेस को भी रिमूव करने में काफी हद तक हेल्प करती है ये क्रीम लोटस की. मोस्टली जिनकी ड्राई स्किन होती है उन्हें डलनेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी स्किन बहुत ही ड्राइनेस की वजह से डल भी लगने लगती है. नाउ टू हेल्प डील विद दैट डलनेस, ये मॉइस्चराइजर काफी अच्छा, ये क्रीम बहुत ही अच्छी है टू डील विथ ड्राइनेस. ऑल्सो विद दैट, ये आपकी स्किन को इवन टोन करेगी बाय रिमूविंग पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगी और काफी एक इवन टोन टेक्सचर आपकी स्किन को मिलेगा. As it says कि इसमें विटामिन सी यूज किया गया है, सो विटामिन सी इज वेल नोन फॉर द ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज. ऑब्वियसली डलनेस को हटाएगी, पिगमेंटेशन को हटाएगी, क्लियर स्किन देगी आपको और उसके साथ आपकी स्किन काफी क्लियर और रेडियंट भी लगेगी बिकॉज इसमें स्पेशली विटामिन सी यूज किया गया है एज अ मेन इंग्रेडिएंट. एंड ऑल्सो इट सेज दैट इट हैज रेटिनॉल इन इट. वेल, रेटिनॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि डील करता है फाइन लाइन से, रिंकल से या फिर प्री मेच्योर एजिंग से. सो वेल, अगर आप चाहते हो कि आपको लाइक फाइन लाइन या रिंकल्स की प्रॉब्लम ना हो एंड यू हैव क्रॉस दैट सर्टन एज, यू कैन ऑल्सो यूज दिस क्रीम बिकॉज इसके जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, दे आर द फर्स्ट वन इज रेटिनॉल जो कि हेल्प करता है फाइन लाइन से डील करने के लिए, एंड द अदर वन इज विटामिन सी जो कि डलनेस और ड्राइनेस से डील करता है. दिस इज द बेसिक बेनिफिट है इसका, जो बेसिक फीचर है इस पर्टिकुलर क्रीम का. Now talking about its texture, so let me show you इसका texture कैसा है. It has a creamy texture, ये creamy texture cream है. इसकी जो consistency है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी because this is how this cream is. इसके जो texture की अगर हम बात करते हैं, ये easily blend तो हो जाएगा आपकी skin पे. Also इसके साथ एक हल्का सा white cast आपको आपकी skin पे देखने को मिलेगा. I think this is best only for the ones who have dry skin. दो ये इसमें बोला गया है कि it is suitable for all skin type, but I think it will work wonderfully on dry skin people जिन्हें dullness की problem है या dryness है, उनके लिए cream बहुत ही अच्छी है. ये बहुत quickly absorb भी हो जाएगी आपकी skin पे, but then it has a creamy texture है, इसका lightweight texture नहीं है. So oily skin people should not use this cream, और अगर आप चाहते हो इसको use करना तो you should use it during the winter seasons because वो season के लिए आप ये cream use कर सकते हो. Only for the oily skin people I'm saying this. ड्राई स्किन पीपल आपको ये क्रीम 12 मंथ्स यूज करनी चाहिए, बहुत ही अच्छी है आपकी स्किन को, काफ़ी हेल्प करेगी टू रिमूव दैट डलनेस एंड ड्राइनेस. सो हाउ आर यू गोइंग टू अप्लाई दिस क्रीम, कैसे आपको ये अप्लाई करनी है, कब कब आपको ये अप्लाई करनी है. फर्स्ट यू हैव टू क्लेंज योर प्रॉपरली, आपके फेस को क्लीन करने के बाद आप इस क्रीम को अप्लाई करोगे मॉर्निंग इवनिंग ट्वाइस इन अ डे आपको ये यूज़ करना है. यू हैव टू टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इट बिकॉज इनिशियली आप इसका अमाउंट थोड़ा कम ही लेना. प्रॉपरली अपनी स्किन पे आप पहले पैट करते हुए आप इसको लगाओगे, इन दी अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ये क्रीम को लगानी है, प्रॉपरली ब्लेंड करना जब तक ये आपकी स्किन में कंप्लीटली अब्जॉर्ब नहीं हो जाती. देन आफ्टर 5 मिनट्स इफ़ यू वॉन्ट you can apply sunscreen on top of it because इसमें SPF नहीं है, so you have to carry a sunscreen. But because ये thick texture cream है तो आप sunscreen एक lightweight use करना इसके ऊपर, बिकॉज सनस्क्रीन यूज करना इज अ मस्ट. इसमें SPF प्रेजेंट नहीं है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट योर स्किन अगेंस्ट दी सन डैमेज. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कैरी सनस्क्रीन आफ्टर अप्लाइंग दिस
क्रीम. वेल दिस इज इट अबाउट द लोटस प्रोफेशनल प्लांट रेटिनॉल प्लस विटामिन सी ब्राइटनिंग बूस्ट क्रीम. ये बहुत ही अमेजिंग क्रीम है, स्पेशली फॉर द वंस हु हैव ड्राई स्किन. अगर आपकी ड्राई स्किन है, डलनेस की प्रॉब्लम है, क्लियर स्किन आपको चाहिए, आप चाहते हो कि आपकी स्किन में एक इवन टोन आ जाए, क्लियर टेक्स्चर आ जाए, आपकी स्किन बहुत ही क्लियर लगे, सो दिस क्रीम इज द परफेक्ट वन. इसका लिंक मैंने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है. यू कैन गो देयर, चेक द रिव्यूज, और इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से भी ले सकते हो. अकॉर्डिंगली अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप इसको परचेज भी कर सकते हो. दिस इज इट अबाउट टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अरे आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी. अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे ग्लोइंग.